तेरा नाम सीएम बनेंगे कि नहीं 2024 में? हाँ, बनेंगे। पक्का ना? पक्का। आप लोग का गांव तरफ सब सपोर्ट कीजिएगा ना जयरामदा को? हाँ। तो रकुआ पंचायत में क्या जयराम माता के समर्थन है, मतलब उनको वोट मिलेगा यहाँ पे? 110% 110 मतलब आप 10% ज्यादा? 110% 200% बताएंगे। तो देख सकते हैं अभी हम लोग रकुआ पंचायत आए हुए हैं और यहाँ JBKSS के बैनर तले यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारे क्रांतिकारी पूजा माता भी पहुंची हुई है और तमाम छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये अभी पहुंचे हुए हैं। तो नमस्कार, जोहार। आज है 77वां स्वतंत्रता दिवस, पूरा भारतवर्ष मना रहा है और इसी दरमियान में पूरा झारखंड आज JBKSS के बैनर तले आज कहीं पे देख सकते हैं खेलकूद का प्रोग्राम हो, तो कहीं पे साइकिल रेस, तो कहीं पे नृत्य प्रोग्राम, तमाम तरह के आज JBKSS की ओर से जो भी हो सके तमाम तरह के प्रोग्राम रखे गए हैं। देख सकते हैं अभी हम लोग रामगढ़ जिला के अंतर्गत रकुआ पंचायत में है और रकुआ पंचायत में देख सकते हैं यहाँ पे जो छोटी छोटी बच्चियां आई हुई है और ये सिर्फ और सिर्फ JBKSS के समर्थन है और इन लोग का कहना है कि इस बार जो जयराम महतो जो झारखंड में बदलाव लेकर आए हैं उनको हम पूरा समर्थन करेंगे। तो इन लोग तो बोल रहे हैं, चलिए इन्हीं से पूछते हैं आखिर ये सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले देख सकते हैं छोटी बच्ची है यहाँ पे, इन्हीं से हम सवाल करेंगे और इसे हम पूछना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? प्राची कुमार। प्राची कुमारी आपका नाम। कितना क्लास में पढ़ते हैं आप? 6 क्लास। देख सकते हैं ये छोटी सी लड़की है, इसका नाम है प्राची कुमारी। कौन सा गांव हुआ बाबू तेरा? मारक मिर्ची। प्राची कुमारी मारक मिर्चा और ये लड़की पढ़ती है 6 क्लास में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से हमारे पीछे JBKSS के बैनर तले खटियानी दौड़ और साइकिल रेस, तमाम तरह की जो प्रतियोगिता जो होती है वो चीज यहाँ पे देख सकते हो रहा है। और यहाँ पे पूजा महतो भी आई हुई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चे आए हुए हैं। चलिए इनको पूछते हैं और इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि जयराम महतो के प्रति इनका क्या राय और प्रतिक्रिया है। तो बहन प्राची, जयराम महतो इबर वोट में यदि डोलवाते हो तो तोर घर वाले वोट देते हूँ? नहीं, हाँ कर देते। तो तनी जोर से बोल, जयराम महतो के साथ देवा तो इनके सब माए बाप और सब देते जयराम महतो के साथ। जयराम महतो के साथ देवा, जयराम महतो के साथ देवा, जयराम महतो के साथ देवा, जयराम महतो के साथ देवा। तो देख सकते हैं जितने भी तमाम हमारी छोटी छोटी बहने लोग पहुंची हुई है JBKSS का जो यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है, इनका समर्थन जयराम महतो के ऊपर जा रहा है। इन लोग का कहना है कि हम लोग जयराम महतो को नेक्स्ट सीएम यानी कि 2024 में जो चुनाव होगा उसमें जयराम महतो को हम लोग सीएम बनाएंगे। इन लोग का तमाम कहना है, ये लोग छोटी छोटी बच्ची लोग है, इन लोग का ना वोटर आईडी बना हुआ है ना इन लोग का कुछ भी है, इन लोग ना कि वोट दे सकते हैं लेकिन इनका जज्बा और जुनून देख सकते हैं किस प्रकार से है कि इन लोग जयराम महतो का समर्थन कर रहे हैं। और देख सकते हैं जो हमारा झारखंडी रीति रिवाज है, देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पे साड़ी पहनी हुई है और यहाँ पे आई हुई है नृत्य का प्रोग्राम करने के लिए। तो हम एक छोटी बहन है, इनसे हम दो चार का सवाल भी करेंगे कि यहाँ पे जो अभी आप लोग आए हुए हैं तो कोई पार्टी वाला आप लोग को पैसा दिया था? पार्टी वाला ऐसे तो नहीं बोला कि चलिए वहाँ साड़ी उड़ी पार्टी वाला दिया का? पार्टी वाला नहीं दिया है? तो जोर से बोलो थोड़ा कि पार्टी वाला नहीं दिया है? नहीं दिया है। पार्टी वाला नहीं दिया है? नहीं। पार्टी वाला दिया का? नहीं। पार्टी वाला दिया है? नहीं। गाड़ी का भाड़ा पार्टी वाला दिया है? नहीं। गाड़ी का भाड़ा पार्टी वाला दिया है? नहीं। कोई एक बोतल पानी दिया है? नहीं। सब कुछ अपना पैसा से किया है ना तुम लोग? सब कुछ अपना पैसा से किया है। और अभी जो देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी यहाँ पे प्रोग्राम होगा उसमें भी इन लोग सब कोई भाग लेंगे, उसमें भी मतलब ये सोच सकते हैं कि JBKSS के बैनर तले आज यहाँ पे रकुआ पंचायत में जो कि रामगढ़ जिला के अंतर्गत आता है छोटे छोटे बच्चे 5 साल 6 साल और क्या बोले मतलब 6 क्लास 7 क्लास छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, इसीलिए पहुंचे हैं कि JBKSS का प्रोग्राम है और हमें समर्थन करना है और जयरामदा को सीएम बनना है। जयरामदा सीएम बनेंगे कि नहीं 2024 में? हाँ, बनेंगे। पक्का ना? पक्का। आप लोग का गांव तरफ सब सपोर्ट कीजिएगा ना जयरामदा को? हाँ। तो देख सकते हैं जितने भी छोटी छोटी बच्चियां आई हुई है, समझ सकते हैं इनका वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है लेकिन इनका जयराम महतो के प्रति कितना जोश और जुनून है। तो चलिए वहाँ पे सभा चल रहा है, वहाँ जाते हैं। और दादा आप आइए, थोड़ा सा आपसे भी थोड़ा बात करना है। दादा आप यहाँ का नेतृत्व कर रहे हैं, आप ये सभा करवाए हैं, तो
तो आपसे जानकारी चाहिए कि किस प्रकार मैनेज किया है सब? बस सब हम लोग सब साथी लोग जो भी केसेस के जितने भी सदस्य लोग हैं सब हम लोग अपने चंदा जुटा के किए हैं, किसी का कोई फंडिंग नहीं है यहाँ पे। तो मतलब आसपास के गांव में भी उठाए या फिर अपने में? नहीं नहीं, केवल अपने दोस्त लोग में, जितने भी सक्रिय सदस्य लोग हैं बस उन्हीं लोग मिलके हम लोग ये प्रोग्राम को किए। और ऐसा ऐसा छोटा छोटा प्रोग्राम हम लोग हमेशा करते रहते हैं और हर साल करते हैं, लेकिन जेबीकेएसएस के तहत इस वर्ष कर रहे हैं। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ है रकुआ पंचायत के अंतर्गत संतोष दा। संतोष दा हमेशा से जेबीकेएसएस के लिए जो भी लड़ाई हो, मैंने शुरू से आंदोलन में जुड़े हुए हैं, और अभी जो आप लोग पीछे देख रहे हैं जो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ संतोष दा के कारण हो रहा है। और जो जितने भी इधर लोकल में गांव है, अभी दादा ये लोग छोटी छोटी बच्ची लोग आई हुई है, हमारी नानी घर से आई हुई है, हमारी बहन लगती है, हमारी मामा की बेटी लोग है। तो दादा आप लोग इन लोग को जागरूक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जी जी, इन लोग को जो भी आप सभा किए हैं या फिर जो भी प्रतियोगिता रखे हैं उनमें छोटे छोटे बच्चों को इसमें जागरूक कर रहे हैं। जरूर जरूर। तो आपका विचार, आपका बहुत अच्छा लगा। इधर ऐसा देखने को मिला है, यहाँ बहुत सारे स्कूल है लेकिन इस तरह का प्रोग्राम होता नहीं, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना सभी स्कूल से सभी बच्चे लोग मिलके ऐसा कुछ प्रोग्राम करें कि कुछ मतलब यहाँ से प्रखंड जाए, प्रखंड से जिला जाए, जिला से स्टेट लेवल पे जाए और यहाँ से आगे बढ़े, सबका नाम रोशन होगा। दादा हम तो देखते हैं स्कूल वगैरह में जो प्रोग्राम होता है 7 से 8 से 9 बजे के बीच में पूरा स्कूल सुनसान हो जाता है। हम लोग तो उम्मीद भी नहीं रखे थे कि आपका यहाँ 2 या 3 बजे शाम में इतना भव्य भीड़ रहेगा और इतना अच्छा प्रोग्राम होगा। और भीड़ होता है लेकिन इधर उधर बच्चे लोग चले गए हैं, थोड़ा टाइम स्कूल वाले काफी ले लिए, एक बजे के बाद बच्चे लोगों को यहाँ भेजे। तो दादा मतलब तमाम जैसे जैसे अभी जेबीकेएसएस का आप कार्यक्रम करवाए तो बहुत सारे लोग इसमें पार्टी को जोड़ देते हैं, जबकि ये माटी की लड़ाई है लेकिन बहुत सारे लोग पार्टी से जोड़ देते हैं। तो पार्टी बहुत सारे लोग ऐसे भी विरोध किए होंगे, चाहे जैसे अभी बहन लोग यहाँ पहुंची है, छोटी छोटी बच्ची लोग, इन लोग को बोला हो गया होगा कि वो वाला जयराम माता को पार्टी है उसमें नहीं जाना होगा, इसमें क्या आप कहना चाहते हैं? जो उस टाइप में सोचते हैं उनको सोचने दीजिए, जो अपना कर्म है कर्म करते जाइए, फल देने वाला ऊपर वाला है, अपना अपना पार्टी अपने जगह है, हम लोग का जो जेबीकेएसएस है बस वो रहेगा वही। दादा आपका रकुआ पंचायत हुआ? जी हाँ रकुआ। तो रकुआ पंचायत में क्या जयराम माता के समर्थन है, मतलब उनको वोट मिलेगा यहाँ पे? 110% 110 मतलब आप 10% ज्यादा? 110% 200% बताएंगे। तो देख सकते हैं अभी हम लोग रकुआ पंचायत आए हुए हैं और यहाँ जेबीकेएसएस के बैनर तले यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारे क्रांतिकारी पूजा माता भी पहुंची हुई है और तमाम छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये भी पहुंचे हुए हैं और ये भी जयराम माता के समर्थक है। तो हमारे साथ संतोष दा अभी थे जो कि पूरा प्रोग्राम जो भी यहाँ पे हो रहा है रकुआ पंचायत के अंतर्गत। कौन सा ग्राउंड है दादा ये वाला? ये रकुआ सुमार बाजार बोलते हैं इसको। अच्छा, यहाँ बाजार लगता है? बगल में बाजार लगता है। तो यहाँ पे बगल में बाजार लगता है, बाजार टाड़ है और यहाँ पे तमाम क्रांतिकारी साथी सभी को पहुंचे हुए हैं और जेबीकेएसएस का जो नाम है उसके नाम से आज पहली बार मतलब हमको लगता है कि झारखंड में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है जेबीकेएसएस के बैनर तले, क्या दादा? जी बिल्कुल। इससे पहले ना कही के मतलब क्या बोले, जब से जयराम माता है तभी से ये सब जो आंदोलन वगैरह जो भी हो रहा है उन्हीं के कारण हो रहा है। जी बिल्कुल, उन्हीं के चलते हो रहा है। बहुत बहुत वो मतलब आदमी का नजर खोल दिए है, नया अंदाज है, नया सोच है, नया विचार है। नहीं दादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत आदमी बोलेगा बाद में कि हम चांदा दिए तब प्रोग्राम नहीं, किसी से पूछ सकते हैं। यहाँ जितने भी सहयोगी हम लोग के जेबीकेएसएस जो साथीगण है उन्हीं लोग के कॉपरेट से ये प्रोग्राम हो रहा है और सबका सहयोग है, पूरा ग्रामीण वासियों लोग का सहयोग है, लेकिन किन्हीं से घर घर जाके चंदा हम लोग इकट्ठा किए नहीं है। अगर वैसा जरूरी पड़े तो वो भी चंदा देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग युवा साथी लोग इतना मजबूत है कि जब ऐसा जरूरी पड़ेगा तो चंदा लेंगे और नहीं तो हम लोग अपने अपने आप पे अपने पैर पे खड़े हैं और मजबूत हैं। तो आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा, छोटे बच्चे हो या बड़े हमारे दादा हो चाहे परदादा हो, तमाम साथी जयराम माता के समर्थन है और देख सकते हैं आज जेबीकेएसएस के बैनर तले आज जो 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारत वर्ष में, वो झारखंड में भी मनाया जा रहा है लेकिन जेबीकेएसएस के बैनर तले मनाया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो में आगे बने रहे और कुछ इंपोर्टेंट नोट आप लोग को वीडियो हम लोग दिखाएंगे।